आज की ये कहानी प्रीति नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक घटना की कहानी है। जब वो केवल 20 साल की थी, यानी कि आज से ठीक 2 साल पहले उसकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही महीनों बाद वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके पति का अट्रैक्शन उसके ऊपर ख़त्म होने जैसा लगता है। ऐसा हो जाता है कि उसका पति अब उसको देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। शादी हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, लेकिन उसका पति अब उसके ऊपर जुल्म करने लगा, अत्याचार करने लगा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ करने लगा। जब मौका मिलता वो अपनी पत्नी प्रीति के ऊपर हाथ उठा देता। बेचारे कितना सहन करेगी। शुरुआती जब प्रेग्नेंट थी तो चीज़ें झेल लेती थी, लेकिन जब उसके महीने बढ़ गए, जब वो 7 महीने प्रेग्नेंट हुई, 8 महीने की प्रेग्नेंट हुई, तो उसका पति जब उसको मारता था ना, तो वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। 9 महीने की प्रेग्नेंट रही होगी ये, 2023 लग चुका था। उसका पति पता नहीं किस बात से उसके ऊपर गुस्सा किया है और रात के समय उसकी बहुत गंदी पिटाई लगाया। और ये बारिश का टाइम था, बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही थी और घर के अंदर ज़ोरदार वाली घमासान लड़ाई। वो बेचारी क्या कर लेती, एक 9 महीने की प्रेग्नेंट लड़की, केवल 20 साल की थी बेचारी। घर पे उसकी सास भी थी, लेकिन वो ज़्यादा झगड़े को रोकने की चिकल्लस में नहीं पड़ी। लेकिन जब बहुत ओवर हो गया तो बीच में आई और झगड़े को रोकी। और प्रीति की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो ज़मीन में गिर गई तो उठ नहीं पा रही है। देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रीति नहीं बच पाई, इतना उसके पति ने उसको पीट दिया था। उसकी सास को पता नहीं कुछ सेकंड के लिए ऐसे दया जैसी आई और उसने कुछ पड़ोसियों की मदद से उसको हॉस्पिटल लेकर गई। लेकिन प्राइवेट अस्पताल वाले उसे देखकर क्या कह दिए कि ये केस हम अपने हॉस्पिटल में नहीं ले सकते, इसकी बहुत ख़राब कंडीशन है और ये पारिवारिक झगड़े वाला मामला है, इसको हम अपने हॉस्पिटल में नहीं ले पाएंगे, आप दूसरी जगह जाओ। 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल, 4 हॉस्पिटल दिखाए गए, लेकिन फिर आखिरी में इनको किसी ने बताया कि आप इसको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो इसको नागपुर के आगे की तरफ, नागपुर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नागपुर के अंदर के गाँव की बात कर रहा हूँ, आगे तरफ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए और इसको वहाँ पर एडमिट कर लिया गया। वहाँ पर बेचारी का इलाज विलाज शुरू हुआ। अब ऐसा हो गया कि हॉस्पिटल वालों ने बोले कि इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि ठीक होने में 7 से 8 दिन लग जाएंगे, तो आप में से कोई एक जन ही पूरे टाइम इसके साथ रह सकता है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और हम सबको रहने की परमिशन नहीं दे सकते। तो एक तो पड़ोसी थे, वो तो अपने घर चले जाते, तो दिन में इसकी खुद की मम्मी रहती और रात के समय उसकी सासू माँ उसके साथ रहती। पति एक बार भी देखने नहीं आया। धीरे धीरे करके 3-4 दिन कट गए। ये 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उस समय की प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंट कई बार आती है। तो इसकी मम्मी रहती थी तो चली जाती थी, लेकिन सास इससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। कई बार वॉशरूम तक इसकी सास इसके साथ चली जाया करती थी, तो कई बार कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी, तो बेचारी उठ के अकेले जाती थी। ऐसी ही एक रात की बात है, रात के तकरीबन 12:30-1 बज रहे थे, इसकी नींद खुली, इसको बहुत ज़ोर से वॉशरूम आई हुई थी। इसकी सास पूरी नींद में नहीं गई थी, हाँ वो थोड़ी थोड़ी जागी रही थी। इसने बोली, माँ थोड़ा सा वॉशरूम तक चलो ना, बहुत ज़ोर से आई है, मुझे जाना है। तो सासू माँ ने कुछ नहीं बोली, फिर से बोली, माँ प्लीज़ चल लो, मुझे थोड़ा डर लगेगा, लाइट वाइट सब बंद है, पूरी शांति हो चुकी है। उसने फिर से कुछ नहीं बोली। तो प्रीति क्या कर सकती थी यार, अभी बेचारी गई, ये पर्सनल वार्ड तो था नहीं, तो जो वॉशरूम इनको यूज़ करना था वो एक जनरल वॉशरूम जैसा था, एक ही वॉशरूम जिसमें सब लोग आते। खैर, ये उस वॉशरूम तरफ गई और उस रात को वॉशरूम्स, जो लाइन से वॉशरूम्स थे ना कुछ, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, क्योंकि आज पता नहीं क्या काफ़ी ज़्यादा मरीज़ आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिए थे, तो बहुत स्मेल आ रही थी, बहुत गंदगी थी। तो ये अलग अलग वॉशरूम वहाँ पर
10-15 वॉशरूम थे लाइन से, यानी देखो एक रूम है ये वॉशरूम वाला, और उस रूम के अंदर जाओ और 10-15 ऐसे लाइन से वॉशरूम है। आप समझ गए हैं जैसा कि रेलवे स्टेशन में, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में जिस प्रकार के वॉशरूम्स होते हैं उस प्रकार का था। तो ये उस कमरे के अंदर गई है, अलग अलग वॉशरूम को खोल के देख रही है और सबकी कंडीशन बहुत ख़राब इसको नज़र आ रही है। 3-4 वॉशरूम इसने देखी ही है, इसको अचानक से ऐसा फील होता है कि मेरे पीछे कोई तो भी खड़ा है। ये पलट कर देखती है और कोई दिखाई नहीं देता, बोलती छोड़ो। फिर दूसरे वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के देखती है, इससे बहुत स्मेल आ रही थी। ये उस वॉशरूम के दरवाजे को वापस से बंद कर ही रही थी कि अचानक से इसके ऐसे हल्के से ये कान के ऊपर वाले बाल उड़े, जैसे किसी ने ऐसे करके फूंक मारा। ये घबरा गई और देखी अपने राइट साइड में, तो लिटरली कोई नहीं था। ये थोड़ी सी हटी, दरवाज़ा खोलते खोलते थोड़ी रुकी और ये मेन दरवाजे की तरफ गई, वॉशरूम के मेन दरवाजे की तरफ, कि कोई मुझे फू करके या मुझे डरा के भागा तो नहीं है। ये गई और जाकर देखी कि बाहर तरफ कोई भी नहीं है, और बाहर तरफ तो पिन ड्रॉप साइलेंस है। जितने भी बेड्स हैं इस वॉशरूम के पास वाले, या फिर जो भी रूम बने हुए हैं उसमें जो भी लोग हैं, वो गहरी नींद में सो रहे हैं। कोई ऐसा भागा नहीं है, और हॉस्पिटल में ऐसी कोई हरकत करेगा भी नहीं, कोई ऐसे मूड में भी नहीं रहता है हॉस्पिटल में। तो सोची कि शायद मेरा वहम हो गया, फिर अचानक से कहीं से हवाई होगी, जाने दो। फिर ये दूसरे वॉशरूम देख लिए, और एक वॉशरूम इसको दिखाई दिया जो हमेशा बंद रहता था, आखिरी वाला आज खुला हुआ था। इसने सोची कि आज ये कैसे खुला है, ये उसका खोली ही है और अंदर गई ही है उस वॉशरूम को यूज़ करके। जैसे ही बाहर आके वो वॉश बेसिन था वहाँ पे हाथ धो रही थी कि अचानक से जो बल्ब था ना इस वॉशरूम के अंदर लगा हुआ, यानी वॉश बेसिन के ऊपर तरफ लगा हुआ, वो ऐसा टिमटिमाने लगा। तो इसकी नज़र वो बल्ब की तरफ गई है और झुप से ऐसा फील हुआ कि पीछे कोई आया है। तो वो आईने से ही ऐसे पीछे की तरफ देखती है, तो क्या पाती है कि पीछे एक औरत खड़ी हुई है। इस औरत का चेहरा भाई इतना भयंकर तरीके से बिगड़ा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। वो औरत ने पूरे वो एक नर्स वाला जो कॉस्ट्यूम होता है ना वो पहनी हुई है, नर्स वाली साड़ी पहनी हुई है और उसके बाल पूरे सफ़ेद हैं और आंखें इतनी बड़ी बड़ी, मेरी क्या हो उससे ट्रिपल आंखें थी उसकी, एकदम बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें, पुतली भी ना उसकी सफ़ेद जैसी थी। उसको घूर घूर कर देख रही है और एक बड़ी अजीब सी स्माइल दे रही है। ये क्या कर पाती, इसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पलट कर उसको देखूँ। ये आईने में ही उसको देख रही है, और इसके राइट साइड में वो दरवाज़ा है, मेन वाला वॉशरूम का दरवाज़ा, जिससे ये बाहर निकलेगी तो हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में एंटर कर जाएगी। ये उस तरफ बड़ी है, बोली छोड़ो हाथ वाथ धोना, मैं फट से निकलती हूँ यहाँ से, कि फाड़ से दरवाज़ा बंद हो गया। और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ इसकी हार्ट बीट ऐसी हो गई कि बस अब मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगी। अब ये हिम्मत करके उस तरफ देखी भाई जिस तरफ वो औरत खड़ी हुई थी। वो औरत अब बहुत वियर्ड तरीके से, पहले तो स्माइल कर रही थी, अब हंसने लगी ऐसे करके हंस रही है। ये बड़ी हैरान कि इतने गंदी तरीके से हंस रही है, और ये जनरल वार्ड में इतने सारे लोग सो रहे हैं, नर्स है, कंपाउंडर है, लोग सो रहे हैं, उनको आवाज़ कैसे नहीं जा रही है। ये बोलने लगी प्लीज़ मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन ये आवाज़ शायद इसके साथ ऐसा हो गया था इस वॉशरूम के बाहर ही नहीं निकल पा रही है। नहीं, और ये भी सीन था कि ना बाहर जनरेटर भी जल रहा था, तो ये भी कारण रहा होगा कि आवाज़ इसकी बाहर तक नहीं जा रही है। बहुत ज़ोर का जनरेटर था, अभी जनरेटर था कि कोई और मशीन, लेकिन कुछ तो था जो बहुत ज़ोर की आवाज़ कर रहा था। हाँ, शायद इसी कारण से इसकी आवाज़ बाहर नहीं गई थी। हाँ, खैर सीन ये हुआ कि ये चिल्लाने लगी, हाँ मुझे छोड़ दो मुझे बचाओ, ऐसा ऐसा करके बोलने लगी। लेकिन वो जो कोई भी थी भाई, भूत चुड़ैल आत्मा पिशाच या फिर एक डरावनी औरत, जो भी कह लो, वो इसकी तरफ धीरे धीरे ऐसा करते करते बढ़ने लगी। अब ये कोने में जाके खड़ी हो गई, ये उससे नजरें नहीं मिला पा रही है, ये नीचे देख रही है, ये देखना चाह रही थी इसके पैर सीधे हैं उल्टे, क्या मालूम क्यों देखना चाह रही है। लेकिन आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप भी किसी के भी पैर देखना चाहेंगे, लेकिन उसके पैर दिख नहीं रहे थे, उसकी साड़ी जमीन तक ऐसा घसीटते हुए चल रही थी। वो एक एक कदम इसके तरफ बढ़ने लगी
और जब ये काफी नजदीक आ गई तो इसने अपनी आंखें पूरी ऐसी बंद कर ली और लगातार बजरंगबली, हनुमान जी मुझे बचा लो, मैं पेट से हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ी हूँ, मेरा बच्चा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा बच्चा भी नहीं बच पाएगा, मुझे बचा लो, मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती लेकिन मुझे बचाने के लिए आप आओ। ऐसा ऐसा ये लगातार बोलने लगी और वो बढ़ती चली गई। बस इतने ही बोली, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। आखिरी शब्द ये जब इसने ये महसूस करी कि वो चीज, वो चुड़ैल, वो शक्ति इसके सामने खड़ी है, इसने जोर से बोली, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। बस उसने इतनी जोर से इसे कान में चिल्लाई है ना कि मैं आपको क्या बोलू, बहुत गंदी तरीके से चिल्लाई और उसने उल्टी कहो कि क्या कहो, उसके पूरे शरीर पे ऐसा निकाल दी, वो जो कोई भी थी इसके पूरे शरीर में निकाली है और सब शांति, गुम से शांति, लाइट चली गई। ऐसी शांति हो गई कि जैसे आसपास कोई है ही नहीं, कोई था ही नहीं, लेकिन इसके पूरे शरीर में एक ऐसी गंदगी आ गई, वो जो कोई भी थी भाई वो गारंटी अब चुड़ैल थी, ऐसी गंदगी आ गई थी कि उससे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं। ये उस चीज़ को सहन नहीं कर पाई, वो फट अपने बेड के पास तरफ गई, एक बैग रखा हुआ था उसमें उसका कुछ कपड़े थे लूज वाले, ऐसे नाइटी जैसे, वो निकाली और यहाँ पे आके उसने चेंज करी है जल्दी से, बड़ी हिम्मत करके कि वो चीज़ वापस से शांति, कि वो चीज़ वापस से सामने ना आ जाए, और फिर उसको ऐसी फेंकी है, उसको डस्टबिन में, कचरे में डाल दी वो जो कुछ भी थी। और ऐसा फील हो रहा था ना, इतना डिसगस्टिंग फील हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप कुछ समझ सकते हैं उस वक्त के लिए कैसा फील हो रहा होगा उसको, कीचड़ जैसा हो गया था पूरा जो कुछ भी उसने अपने मुंह से निकाली थी वो चुड़ैल ने। वो आई अपनी और बिस्तर में और ऐसा ओढ़ के बस सोने जैसी हो गई। बाहर जोर से बिजली खड़की और फिर बारिश शुरू हो गई और अभी एक अजीब सा डर का माहौल इसके पूरे जहन में फैल चुका है। पूरी रात कट गई, पूरी रात वो जागती ही रही, केवल अपने बिस्तर से वो वॉशरूम वाले मेन दरवाजे की तरफ ही घूरती रही, लेकिन उसको पूरी रात वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। ये आँख बंद भी करती थी ना तो ऐसा लगता था आँख खोल कर देखूँ वो चीज़ सामने आकर खड़ी तो नहीं हो गई, लेकिन लकीली पूरी रात कट गई और फिर उसकी सांस निकल गई। अपनी सांस से बोलना भी चाहिए लेकिन कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि इसकी सांस इससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, इससे शायद ज़्यादा सहानुभूति नहीं रखती थी। वो निकल गई और फिर इसकी मम्मी आई है तो मम्मी को पूरी ए टू जेड बात बताई। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा डर लगा, मम्मी ने बोली कि एक काम करते हैं यहाँ से निकल लेते हैं अभी, क्या मतलब अगर इतनी परेशानी हो रही है तो, अब तू देख 3-4 दिन यहाँ पर रह गई है और शरीर में भी थोड़ा सा सुधार आ गया है। इन लोगों ने डॉक्टर से बात की है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उन लोगों ने मना कर दी, बोले नहीं हम ऐसे एकदम छुट्टी नहीं दे सकते क्योंकि आप लोगों का केस अलग है और ये छुट्टी देने वाली कंडीशन में हमें लगती नहीं है। डॉक्टर और प्रीति की मम्मी की ये सारी बात हुई ही है कि उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया। अब ये घबराहट कि पिछली रात में इतना कुछ हो गया था, मेरा जो कोई भी बच्चा हो रहा है वो सही सलामत रहेगा कि नहीं भगवान। लेकिन इसकी प्रेगनेंसी, फिर वहाँ पर डिलीवरी हुई और फिर एक लड़के का जन्म हुआ जो कि स्वस्थ था, बहुत हेल्दी, बढ़िया से फिट था, किसी तरह की कोई उसमें परेशानी नहीं रही। ये लोग खुश हुए, खुश होने वाला था कौन, प्रीति और प्रीति की मम्मी और प्रीति के अपने परिवार वाले, पति के साइड वाले लोग पता नहीं खुश थे कि नहीं थे। फिर प्रीति की मम्मी ने बोली कि देख ले बेटा तेरे को साथ में रहना है कि नहीं, तेरा फैसला है। तो प्रीति ने बोली कि नहीं मम्मी, नहीं रह पाऊँगी, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो मेरे साथ नहीं था और इनफैक्ट मुझे मारने जैसी कंडीशन में उसने लाकर रख दिया था, तो मैं उसके साथ ज़िंदगी कैसे काटूँगी, मेरी उम्र ही कितनी है। तो बस छोड़ छुड़ाव हो गया, डाइवोर्स हो गया और अभी अपने माता पिता के साथ रहती है और अपने बच्चे को भी बहुत अच्छे से पाल रही है। बच्चा आज बढ़िया से हेल्दी है, साथ ही साथ प्रीति भी। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इसकी लाइफ में जो कुछ समय ऐसा आया था वो ज़िंदगी में वापस से कभी रिपीट ना हो, हम तो सबके लिए यही कामना करते हैं। तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। और एक और चीज़, इस घटना की पूरी जानकारी हमें प्रीति के थ्रू ही मिली है ताकि हम सबको इस कहानी के बारे में अवेयर करें कि ऐसा कुछ भी किसी के भी साथ हो सकता है, यानी जब मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से आती है, अपनी दुनिया से भी और भूतिया दुनिया यानी कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड से भी। बस
अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।